हेलो स्टूडेंट्स, आप मानेंगे कि 70% जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं उनको कभी ये पता ही नहीं चलता है कि वो रियल में असफल कैसे हो गए। मैं सच कह रहा हूं आपको, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कभी इस बात का पता नहीं चल पाता है कि उनकी जो असफलता है उसका रियल, उसका वास्तविक कारण क्या था। तो इसी बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रॉन्ग गाइडेंस जो होता है उसने बहुत सारे लोगों का कबाड़ करा, बहुत सारे लोगों का भंटा ढार करा। सबसे पहले समझते हैं कि गाइडेंस क्या होता है। कभी आप बहुत अंधेरे में जा रहे होंगे ना, एक टिमटिमाता हुआ दिया आपको दिख जाता है बहुत अंधेरे में, आपको समझ में आ जाता है कि यार वहां पर गांव है और मुझे उस दिशा में जाना है। गाइडेंस एक ध्रुव तारे के समान होता है जो आपको सही दिशा में ले जाने का काम करता है। लेकिन यही गाइडेंस जब गलत हो जाता है तो फिर आपको ये निश्चित ही गलत दिशा में ले जाता है, यानी जो सफलता की दिशा है उससे आपका ध्यान भटक जाता है और आप असफलता की दिशा में चल पड़ते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की है सर, लगातार 3 बार से या लगातार 4 बार से मैं फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं, फलाने टीचर से पढ़ रहा हूं, लेकिन सर पता नहीं सफलता ही नहीं मिल रही, और ये बुक पढ़ता हूं सर, और हर बार मैं पेपर अच्छे से करके आता हूं, जो पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करके आता हूं, कई बार तो जो पढ़ा हुआ रहता है उससे सवाल नहीं आते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, लगातार ये सवाल क्यों उठते हैं, क्यों लगातार कुछ लोग असफल होते हैं और क्यों लगातार कुछ लोग सफल होते हैं। तो गाइडेंस आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात आप समझ लीजिए। जब आप किसी के निर्देशन में जब आप तैयारी करते हैं तो वो आपको सफलता के परचम पे पहुंचा सकता है, और अगर आप गलत निर्देशन में तैयारी करते हैं तो चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर लें, सफलता मिल जाती है आपको मेहनत करने के बाद भी, जब आप गलत निर्देशन में, गलत गाइडेंस में जब आप तैयारी करते हैं। अब ये कैसे पता चले, जैसे मैंने तो ये आपको बता दिया बहुत आसानी से कि सही गाइडेंस जो है वो आपको सफलता दिला सकता है और गलत गाइडेंस जो है वो आपको असफलता दिला सकता है। मगर एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, और वो सवाल ये है कि सर फिर पता कैसे करें कि कौन टीचर सही है, कौन सा इंस्टीट्यूट सही है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पता करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप बार बार उनकी डेमो क्लास, उनकी फ्री क्लास को आप देखिए लगातार, जो वो एमसीक्यूज करा रहे हैं, जो वो क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको देखिए बार बार, देखिए एक बार से बात नहीं बनती है। हो सकता है कि कोई नौसिखिया टीचर आ जाए और आपने उसका एक वीडियो देखा, आपको लगा कि यार जबरदस्त मजा आ जाए, उससे बात नहीं बनेगी। कम से कम रैंडम 3-4 वीडियो तो आप उसके देखिए, लगातार उसके संपर्क में बने रहिए, यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार, आप फिर प्रीवियस पेपर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आप उसके समझाए हुए कॉन्सेप्ट को, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर ही इज द बेस्ट टीचर और शी इज द बेस्ट टीचर, और वो ही सही आपका गाइड है। जो टाइम टेस्टेड होते हैं लगातार आप देखिए, आप जो जो बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनकी बातें सुनिए, आपको समझ में आ जाए। एक बच्चा झूठ बोल सकता है, 2 बच्चे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे एक साथ बैठ करके झूठ कभी नहीं बोलते। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये सही तरीका है आपको देखने का कि यार कौन सा टीचर अच्छा होता है। जो टॉपर से इंटरव्यू होते हैं वो बता देते हैं कि यार ऐसा नहीं होता है कि हर एक टॉपर जो है वो खरीदा हुआ हो। अगर आपको लग रहा होगा कि यार खरीदे हुए लोगों को बैठा देते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग करते हैं ऐसे कि जो टॉपर्स होते हैं उनको ला करके बैठा देते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता।
ठीक है, इतने सारे बच्चे एक साथ आकर के, और फिर लगातार आप देखिए ना यूट्यूब वीडियो पर देखिए आप, लगातार वो जो टीचर होगा वो अपने स्टूडेंट्स का नाम लेता है और फिर उनका नाम जो है वो टॉपर लिस्ट में आ जाता है। तो वो ये वाली बात हो जाती है कि सत्य को साक्ष्य की जरूरत नहीं है, है कि नहीं। तो सही टीचर से पढ़िए, सही मार्गदर्शन में पढ़िए, और मेहनत अगर आप कर सकते हैं, आप में डेडिकेशन है, आप में दृढ़ इच्छा है, आप में इच्छा शक्ति है, बताए हुए रास्ते पे आप चल सकते हैं, आपको विश्वास है, आप 100% सफल हो जाए। तो रॉन्ग गाइडेंस में पढ़ करके अपने समय को और बर्बाद मत करिए, क्योंकि उससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट आता है, उससे बहुत डिप्रेशन आता है। ठीक, लगातार किसी को फॉलो कीजिए, अगर वो उसकी बातें आपको समझ में आती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं उसके पढ़ाए हुए से, फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी सही और गलत का चुनाव करने के, आपको पता लगेगा कि सही गाइडेंस क्या होता है, गलत गाइडेंस क्या। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।